आगे बढ़ेंगे। ग्वालियर पहुंचे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों की बातचीत का न्योता दिया है और कहा है कि किसान यूनियन के साथ ही 12 दौर की बातचीत हुई लेकिन निर्णय नहीं निकल पाया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बातचीत का निर्णय तब होता है जब कानून में आपत्ति बताई जा सके, कानून में किसान के विरुद्ध क्या है ये बताया जा सके। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार समझने को तैयार है, संशोधन करने को, चर्चा करने को तैयार है, लेकिन किसान बताए तो सही कि कानून में गलत क्या है। तोमर ने कहा कि पीएम मोदी ने कहा है कि सरकार चर्चा करने को हमेशा तैयार है। देखिए दरअसल क्या है कि किसान यूनियन के लोगों से सरकार ने बहुत संवेदनशीलता के साथ 12 दौर की बातचीत की है। बातचीत का निर्णय तब होता है जब आप किसी कानून में कोई आपत्ति बताओ, कानून में किसान के विरुद्ध क्या है ये तुम बताओ। फ्लैट कहोगे कानून हटा दो तो ऐसे थोड़ी होता है कि कोई भीड़ इकट्ठी हो जाए और कानून हट जाए। ये तो रखना पड़ेगा अपने को कि भाई आखिर कौन सा पॉइंट है जो किसान के विरुद्ध जाता है। सरकार समझने को तैयार है, सरकार संशोधन करने को तैयार है, सरकार चर्चा करने को तैयार है, आज भी तैयार है, प्रधानमंत्री ने भी कह दिया। तो किसान यूनियन आंदोलन करती रहे उससे क्या होगा। कुल मिला के चर्चा जब सरकार करना चाहती है तो चर्चा में बिंदु बताना चाहिए उनको, हम लोग उन बिंदुओं पर बात करने के लिए तैयार हैं। बना रहे हैं तू, एक मिनट के बना दीजिए।